Mona, I have so much sona. नगरी में आप सबका स्वागत है। लग रही हूं ना मैं एकदम गप्पी लहरी। This is my using only golden things for 24 hours challenge। और इस चैलेंज के लिए मैंने बहुत सारी गोल्डन चीजें इकट्ठी की हैं। कहीं मेरे घर पे इनकम टैक्स या ईडी की रेड ना पड़ जाए। अरे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब नकली है, एकदम नकली। बहुत तेज हो रहा है जुगाड़ से सारा सामान इकट्ठा किया है। चैलेंज को एकदम ऑनेस्टली करने के लिए मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं अपने ये गोल्डन टेबल मैट्स, जिसपे इस वक्त सिम्बू जी आराम फरमा रहे हैं। मैंने इसको कुछ भी गोल्डन नहीं पहनाया, गोल्डन चीजें बहुत चुभती है ना, इसे नहीं पहना सकते। ऑलराइट, चादर तो है नहीं ओढ़ने के लिए मेरे पास, तो आज मेरी ये गोल्डन चुन्नी ही है मेरी चादर। पीछे देखो, पीछे। देखो, गोल्डन तकिया इसके ऊपर मैंने चढ़ाया है गोल्डन रैपिंग पेपर। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जुगाड़? कुछ भी आज के चैलेंज में मुझे बहुत ही फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर मेरे जुगाड़ आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ऑलरेडी, तो प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गरिमास गुड लाइफ। शुरुआत करते हैं ब्रशिंग से। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ अपना 24 कैरेट गोल्ड ब्रशिंग अरेंजमेंट। आ जाओ, ये देखो मेरा गोल्डन ब्रश। मैंने इसके ऊपर ये गोल्डन टेप लगाई है और यहाँ पे ना गोल्डन नेल पेंट लगाया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? सूख तो गया है लेकिन पता चला ब्रश करते करते मेरे दांत गोल्डन हो गए, मुझे नेल पेंट रिमूवर से अपने दांत साफ करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स देखो, टूथब्रश तो गोल्डन हो गया है, अब टूथपेस्ट नॉर्मल लगा लेने दो ना। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। नो, क्या चीटिंग चिल्ला रहे हो? ठीक है फिर, एक ही ऑप्शन है मेरे पास ब्रशिंग का। ये एडिबल गोल्ड डस्ट है, इसके अंदर ये डुबा देती हूँ। लेट्स ब्रश। ची, नेल पेंट का इतना गंदा टेस्ट आ रहा है कि क्या बताऊं। अपने इन गोल्डन दांतों से इसके बाद गोल्डन ब्रेकफास्ट करेंगे। सी यू। आज के ब्रेकफास्ट में मेरे पास है ये गोल्डन बोल के अंदर गोल्डन एप्पल। हाँ, बाहर से ग्रीन है लेकिन इसको गोल्डन एप्पल ही बोलते हैं, तो ये अलाउड है खाना। और साथ में है ये कमरख, मुझे तो ये गोल्डन कलर की लगती है। आप लोग बताओ, अगर आपको गोल्डन ब्रेकफास्ट खाना होता तो आप लोग क्या खाते? मैं तो यही खा के पेट भरूंगी आज, सब कुछ बहुत ही खट्टा है। फ्रेंड्स ऐसा ब्रेकफास्ट खा के ना तो मेरे अंदर वर्कआउट करने की एनर्जी है और ना ही ऐसे चुभने कपड़े पहनकर वर्कआउट करने का मोटिवेशन आ रहा है। मेरे स्किन पर रैशेस आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो अपनी स्किन को पैम्पर करना चाहती हूँ विद माय न्यू पॉन्स गोल्ड ब्यूटी रेंज। This range has a golden face wash, it has an illuminating day cream and a revitalizing night cream, all with 24 karat gold extracts. The texture is so lightweight and beautiful. It gives you clear radiant skin with a luminous gold like glow. Isme ye golden serum bhi hai with golden argan oil and vitamin E, and my most favorite, this peel off gold mask. So let me quickly go and wash my face with this Pond's Golden Face Wash. All right, come. Wow, I feel this amazing luminous gold-like glow. And now let me apply this mask to detoxify, rejuvenate and exfoliate my skin.
लग रही हूँ ना एकदम 24 कैरेट गोल्ड कॉइन। 20 मिनट्स लेटर। मास्क हटाकर मेरी आंखें चौंधी आ रही है या वाकई में मेरी स्किन एकदम गोल्ड की तरह ग्लो कर रही है? सारे डेड स्किन सेल्स और ब्लैक हेड्स भी गायब। नाउ लेट मी जस्ट सील द डील विद दिस सेरम। इस गोल्डन ग्लो बूस्टर पावर सेरम में है आर्गन ऑयल, जो कि हमारे स्किन को इंस्टेंटली मॉइस्चराइज कर देता है। दिस सेरम गिव्स यू ब्राइट स्पॉटलेस स्किन, रिमूव्स ऑल द डलनेस सो दैट यू कैन ग्लो लाइक गोल्ड। तो मैं इसके कुछ ड्रॉप्स लगा लेती हूँ। This will give my skin a boost of golden radiance that goes deep inside the skin. I love my golden glow. You can also glow like gold with Pond's new Gold Beauty range. Try जरूर करके देखना। मैं सारे लिंक्स आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए, बस ऐसे ही पानी डाल के नहा के आ जाऊंगी। By the way, आज मुझे टॉवल की तरह यूज करना पड़ेगा अपना ये गोल्डन पजामा, क्योंकि इससे सॉफ्ट चीज मेरे पास कुछ भी नहीं है। जाती हूँ, नहाकर आती हूँ और उसके बाद रेडी होंगे लंच करने जाने के लिए। बाय। A little longer than a few minutes later. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। I'm so glad guys कि आप लोग मेरी जिंदगी में हो। I love you all. By the way, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये dazzling golden अवतार? हाथ के कड़ों से भी बड़े मैंने यहाँ पे इयररिंग्स पहने हैं, मेरा गोल्डन चश्मा, मेरा गोल्डन हेड बैंड, मेरा नेल पेंट, मेरी ज्वेलरी, मेरे जूते, और हाँ मुझे ये वाली ना ऐसे पार्टी ड्रेस जो है वही तो पैर में पहन के जानी पड़ेगी लंच करने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Oh, no. लिप्स पे ध्यान गया ना आप लोगों का? व्हाइट चैलेंज में बोल रहे थे लिप्स व्हाइट क्यों नहीं किए। चलो ठीक है, आज मैं अपने लिप्स गोल्डन कर ही लेती हूँ। मेरे पास ना उसके लिए एक हैक है। क्या ये लिप्स गोल्डन हुए? क्या ये गोल्डन लिपस्टिक बनी? क्या ये हैक काम आई कि नहीं? नहीं। मुझे मिरर में जाके देख रहे, तो मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ऐसे मैं बाहर नहीं जाऊंगी, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करके आती हूँ, फिर लंच के लिए चलते हैं। बाय। सो फ्रेंड्स, मैं लंच बजाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सर पे लगा लिया है अपना ब्राउनिश गोल्डन ग्लेयर्स। लिपस्टिक चेंज करनी पड़ी, लेकिन अभी भी यहाँ पे वो ग्लिटर लगा हुआ है, हट ही नहीं रहा था। ये देखो, मैं ले जा रही हूँ साथ में अपना गोल्डन चेन वाला गोल्डन पर्स। इसके अंदर मैंने रख लिया है गोल्डन कपड़ा, गाड़ी में बिछाने के लिए कैसे बैठूंगी वरना मैं। हाँ, और पैसे भी जो है ना दूंगी इन गोल्डन कॉइन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लगा लेते हैं गोल्डन मास्क। So friends, I have come down to this place called Messy Adda, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ 24 कैरेट का बाहुबली मोमो। That's right. Thank God there is a golden plate and golden cutlery to have my food. Otherwise, मैं सोच रही थी कि मैं मोमो हाथ से कैसे खाऊंगी। इसमें मोमो है? All right, guys, let's open it. The Bahubali 24 carat gold momo. 1, 2 and सो फ्रेंड्स, लंच डन। वैसे अगर मैंने नाश्ता किया होता ना, देर वॉज नो वे कि मैं अपना बाहुबली 24 कैरेट गोल्ड मोमो खत्म कर पाती। और उसे खत्म करने पर मुझे देखो ये सर्टिफिकेट भी मिला है। लंच तो हो गया, अब इस चैलेंज में ना मुझे टेंशन हो रही है आगे के कपड़ों की, बिकॉज सुबह से मेरे सारे गोल्डन कपड़े मुझे इतना चुभ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, सोच रही हूँ जाके कुछ कम्फर्टेबल शॉपिंग कर लूँ, क्या रात को क्या पहन के सोऊंगी। 82 किलोमीटर्स लेटर। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने घर के पास इरला मार्केट में। लेट्स सी कि मुझे कुछ कंफर्टेबल गोल्डन वेयर मिलता है कि नहीं। इस शॉप में अंदर जाके देख के आती हूँ। वेट,
गाइस मुझे कुछ भी कंफर्टेबल गोल्डन वेयर नहीं मिल रहा है। कोई शॉपकीपर मुझे ये गोल्डन की जगह बेज कलर का नाइट सूट दिखा रहा है, कोई येलो दिखा रहा है, बोल रहा है यही गोल्डन है ले लो। हाँ यहाँ पे मुझे ना एक गोल्डन नाइटी मिली पर वो बहुत ही समझ जाओ कैसी थी, इस चैलेंज में तो नहीं पहन सकती हूँ। वेल, मार्केट में गोल्डन कपड़े तो नहीं मिले लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जरूर मिल गए जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। Nice to meet you too. I'm a big fan like of your videos. I have seen every of your videos. How sweet. So guys, see, I always keep meeting people who follow my channel. Thank you so much. मैं आज golden challenge कर रही हूँ, जरूर देखना मेरे चैनल पे. Okay. Bye. Bye. So friends, it's my tea time. और पता है सुबह से ना आज सिम्बा भी मुझे इग्नोर कर रहा है मेरे चुभने कपड़ों की वजह से. भाग्या। एनीवे, मैंने चेंज कर लिया है अपने सबसे कंफर्टेबल और थोड़ी अतरंगी गोल्डन आउटफिट में। ये जो स्कर्ट है इसमें अंदर ये सैटिन की लाइनिंग लगी हुई है इसीलिए ये थोड़ी सॉफ्ट है अंदर से, और ये जो टॉप है इसमें ऊपर यहाँ ब्लिंग है। काम चला लूंगी किसी तरीके से, कल सुबह तक मैं यही पेयर पहनने वाली हूँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं चाय की। देखो ये जो यहाँ पे सिंपल नॉर्मल चाय है ना, इसके साथ थोड़ा जुगाड़ करके मुझे इसको गोल्डन चैलेंज में फिट करना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शंस हैं। पहला ये कि शक्कर की जगह मैं इसमें ये गोल्डन शुगर बॉल्स डाल दूं, ठीक है। उसके बाद इस चाय को मैं इस गोल्डन पेंसिल होल्डर में डाल के पीऊं, या फिर अपनी इस गोल्डन ट्रॉफी इस गोल्डन कप के अंदर डाल के पीऊं। आई नो चैलेंजेस में मैं थोड़ा सा लेकिन इतना नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं इस चाय के अंदर ये शुगर बॉल्स तो डाल ही देती हूँ क्योंकि ये गोल्डन है, ठीक है ना। तो पहले इसको गोल्डन कर लेते हैं। अब मैं इस चाय को पीऊंगी मेरे इस कप में जिसका हैंडल गोल्डन है। हाँ? चीटिंग नहीं मानना। चाय के टाइम पे आप लोग मुझे माफ कर देते हो, आज भी कर देना प्लीज। लंच से मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है इसीलिए चाय के टाइम पे सिर्फ चाय पीऊंगी। सो फ्रेंड्स, टी टाइम डन। आज के इस चैलेंज में ना सब कुछ बहुत लेट चल रहा है, मैं इतना बाहर घूम कर आई, मुझे नैप लेने का भी टाइम नहीं मिला, तो अब तो डिनर टाइम भी नज़दीक आने वाला है, उसके पहले मैं क्या करूं? आज मैं सिर्फ गोल्डन चीज़ें ही यूज़ कर सकती हूं, इसलिए मैं सोच रही हूं कि आप लोगों को ना अपनी गोल्ड ज्वेलरी का नकली वाली का एक हॉल दिखा दूं। ये है मेरी गोल्डन ज्वेलरी की कलेक्शन। ये ट्रेडिशनल वाले हैं और इस पाउच में है थोड़ी मॉडर्न टाइप की गोल्डन ज्वेलरी। आपको अपने बारे में एक राज की बात बताती हूँ। पता है मेरे जो कान के छेक है ना वो बहुत ही छोटे हैं और मेरे कान बहुत नाजुक हैं, इसीलिए मैं भारी भरकम ज्वेलरी पहन ही नहीं सकती हूँ। मैंने टीवी पे भी कभी माइथोलॉजिकल शोज नहीं किए क्योंकि वो इतने हैवी ज्वेलरी पहनाते हैं। इसीलिए मेरी जो भी ज्वेलरी होती है वो भले ही दिखने में बहुत ऐसा भारी भरकम हो बट उनका वजन एकदम कम होता है, फूल के जैसा लाइट वेट। वाओ, ये वाली इयररिंग्स जो है ये भी मेरी बहुत फेवरेट है। कितना बड़ा साइज है इनका राइट, बट इनका वेट बहुत कम है। चलो क्विज है आप लोगों के लिए, कौन कौन बता सकता है कि ये वाला सेट मैंने रिसेंटली अपने कौन से वीडियो में पहना था? जल्दी से बताओ। बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ट्रेंड भी हुआ था सोशल मीडिया पे वो वीडियो। ये चांद वाली है जो मैंने हैदराबाद से खरीदी थी, पर्ल वाले इयररिंग्स विद गोल्ड, ये भी मैंने हैदराबाद से लिए थे। और ये देखो, ये है मेरा करंट फेवरेट जो अभी तक मैंने पहना ही नहीं है, दिस इज मैट गोल्ड। हाँ, गोल्ड के भी अलग अलग शेड्स होते हैं, ये मैट गोल्ड है। और ये वाले ब्यूटीफुल इयररिंग्स रोज गोल्ड हैं। और यहाँ पे ये बहुत सारी चेन्स हैं जो सब आपस में उलझ गई हैं और मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। चलो इन्हें सुलझा लेती हूँ। बहुत दिखा दी आप लोगों को मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी की कलेक्शन। I'll see you guys at dinner time, okay? अरे यार। And friends, dinner में मैं गोल्डन मैजिक करने जा रही हूँ हम सबकी सबसे फेवरेट चीज पे। टैन टैन मैगी।
मेरे गोल्डन बोल में ये व्हाइट कलर की मैगी है, जिसमें सबसे पहले मैं इसी का मसाला जो है उसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। और अब हम इस पर डालेंगे ये गोल्डन एडिबल पाउडर। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। खाइए आप लोगों ने कभी गोल्डन मैगी? नहीं। मैं खाने जा रही हूँ आज डिनर में, वो भी इस सिंगल चॉपस्टिक के साथ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं अपनी गोल्डन मैगी फिनिश करती हूँ और उसके बाद हम खाएंगे गोल्डन डेजर्ट। ओ नो, सिमा मेरे सारे गोल्डन डेजर्ट के पीछे पड़ गया है। हटो, सबको दिखाने दो हमें यहाँ पे क्या क्या है। गाइस देखो, ये है गोल्डन रैपर के अंदर बहुत ही टेस्टी मुंबई स्पेशल कुछ तो मिठाई होती है, वो मैं लेकर आई हूँ। ये तो फेरेरो रोशे है एंड ये एक और गोल्डन चॉकलेट है। और इसके अंदर क्या निकलेगा पता नहीं, बाहर से गोल्डन था। क्या खाए जी सबसे पहले, क्या खाए जल्दी बोलो। आपको इसमें से कुछ नहीं दूंगी। अब नहीं चुभ रहे तेरे को मेरे गोल्डन कपड़े है? डेजर्ट के साथ नहीं चुभते। अंदर का कलर नहीं दिखाऊंगी क्या है। चीटिंग नहीं है, चीटिंग नहीं है। देखो गोल्डन चीजें खा रही हूं मैं। A few inches later. फ्रेंड्स अब मुझे बहुत थकान हो रही है, आई हैव टू क्रैश नाउ। आज मैंने नैप भी नहीं ली थी दिन में, याद है ना आप लोगों को। हाँ, जल्दी से जाती हूँ अपने इस गोल्डन फेस वॉश से मुंह धोकर आती हूँ और नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ। आई विल सी यू इन अ बिट। फाइनली फ्रेंड्स, वक्त आ गया है इस वियर्ड से सोने के बिस्तर पे सोने का। हाय हाय, ये चुन्नी मुझे कितनी चुभ रही है और इस तकिए पे मैं कैसे सोऊंगी। इस गोल्डन चैलेंज के चलते मैं बहुत ज्यादा दुख झेल रही हूँ। आप लोग इसी बात पे इस वीडियो को लाइक तो कर दोगे ना, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गरिमास गुड लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।